एक तरफ चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जगह जगह फ्लैग मार्च किया जा रहा है, वहीं अपराधियों का तांडव भी जारी है। सुबह एग्रिको में महिलाओं के साथ चैन चिंताई की घटना हुई, वहीं शाम ढलते ढलते कदमा में भाजपा नेता के करीबी भोलू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने को लेकर विशेष सुरक्षा बल प्रतिनियुक्त किए गए हैं। शहर की सड़कों पर पुलिस एवं सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बावजूद इसके गुरुवार को अपराधियों का तांडव जारी रहा। एक ओर जहां सुबह सिद्धगुड़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने महिला से चिंताई की घटना को अंजाम दिया, वहीं शाम होते होते कदमा थाना क्षेत्र स्थित जेम कार्यालय के समीप अपराधियों ने भाजपा नेता गणेश महाली के करीबी भोलू कुमार उर्फ तरनी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद एक ओर जहां शहर में सनसनी फैल गई है, वहीं दूसरी ओर पुलिस की सुरक्षा को लेकर तमाम दावों की पोल खुल गई है, वो भी तब जब 18 घंटे बाद जिले में मतदान होना है। आपको बता दें कि भोलू एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है। वह आदित्यपुर के राममड़िया बस्ती का रहने वाला था। 4 दिन पूर्व जेल से जमानत पर निकला था। के घटना की जानकारी हम लोग को जैसे मिला कि कदमा मार्केट के सरकारी रोजगारों दुकान के पीछे में जहाँ जेएमएम का कार्यालय के सामने इस तरह का घटना घटा, जैसा हम लोग सुनने को मिला कि आपका भोलू को कोई गोली मार दिया है, तो थाना को सूचना दिया। थाना के पूछते पर हम लोग घटनास्थल पर पहुँचा तो देख रहे कि आपका लहुलवानों को जमीन से गिरा हुआ, थाना वाला उसको अपना गाड़ी में उठा के डायरेक्ट उसको टीम में लेकर हम शासक किए मेरे पानी पर डॉक्टर काफ़ी प्रयास किया उसको बचाने का, लेकिन क्या करता था बोलो क्या करता था बोलो ऐसा कोई काम ना, घर छोटा मोटा काम करता था। उधर दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी विद्युतवरण महतो के साथ रोड शो में भी भाग लिया और कहा कि सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं बल्कि झारखंड के सभी 14 सीटों पर एनडीए काबिज होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोकसभा चुनाव के बीच जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि झारखंड समेत देश भर में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। झारखंड में सभी सीटें एनडीए गठबंधन के झोली में जाएगी, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के पूरे सीटें ही भाजपा के झोली में जाने की बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य में नक्सल को खत्म करना भी भाजपा सरकार की देन है, लेकिन झारखंड के वर्तमान में सरकार के नीतियों के कारण फिर से नक्सलवाद पनप रहा है। सुरक्षा लेनी पड़ती थी, लेकिन जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो ये समस्या का यहाँ पर समाधान हो गया था। उसके बाद कोई डर भय नहीं था। फिर बाद में जेएमएम के हाथ में शासन आने के बाद स्थिति यथावत हो गई है, जो कि दुर्भाग्य है। आज छत्तीसगढ़ और झारखंड एक साथ पैदा हुए हैं, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता रही है। इस कारण से यहाँ का जो विकास होना चाहिए, समुचित जो विकास होना चाहिए, वो हुआ नहीं है। छत्तीसगढ़ में लगातार 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वहाँ की जनता एक बार सरकार बदल के देखी कांग्रेस के लोक लुभावन जन घोषणा पत्र में आकर, लेकिन 5 साल में वहाँ की जनता को पता चल गया कि ये कांग्रेस के कथनी और करने में बहुत अंतर है। उधर विभिन्न अल्पसंख्यक संगठनों ने सीताराम डेरा के आदिवासी हॉल में बैठक करते हुए एकजुटता दिखाई और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती को भारी मतों से जिताने का संकल्प लिया। जमशेदपुर लोकसभा में आदिवासी, जमशेदपुर के आदिवासी, दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यक समुदाय के चिंतित और बुद्धिजीवी लोग, ये 2 दिन के मंथन के बाद हम लोगों ने तय किया है कि देश भर में भाजपा और आरएसएस के लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं
400 पार का मतलब होता है कि आप 200 से 250 में आपका सरकार चल सकती है, आपको मैंडेट मिल सकता है। आप संविधान को बदलना अगर चाहते हो तो आपको 400 पार के ऊपर जाना पड़ेगा। और ये पिछले दो कार्यकाल में मोदी जी के गारंटी के तौर पर ये देखा गया है कि उन्होंने आदिवासी दलित की आरक्षण को, उन्होंने संवैधानिक इकाइयों को, लोकतांत्रिक रूप से शासन को तानाशाही में बदलने का काम उन्होंने बाखूबी किया है। आज के जो बैठक रखी है इसकी, और इस इन तमाम परिस्थितियों में जमशेदपुर के हम जैसे लोगों को ये तय करना है कि हम देश को किस रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि जो संविधान को बचाएगा, जो लोकतंत्र को बचाएगा, जो आरक्षण को बचाएगा, जो बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, बाबा साहब अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद, कुशवाहा के आंदोलन को, कर्पूरी ठाकुर के आंदोलन को बचाने का काम करेगा, जो देश को बचाने का काम करेगा, उस गठबंधन के साथ में हम लोग को जाना है। हम इंडिया गठबंधन के साथ, ऐलान के साथ हम लोग कहना चाहते हैं कि इस लोकसभा जमशेदपुर से यहाँ से भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। ये कर रहे हैं कि जनता तक पहुँचे। आज भारत में जितने भी आदिवासी जो STSC वेलफेयर कमेटी के जो हमारे गरीब दलित लोग हैं उनके पास पहुँचे कि हम लोग की इच्छा किया है, हम लोग का दिमाग कहाँ किस काम कर रहे हैं हम लोग। तो बात यह है, अभी डिटेल से हमारे महासचिव जी ने तो बताया है, लेकिन आज हम उसका घोर विरोध करते हैं प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री को कैसा रहना चाहिए उनको अभी तक नहीं समझ में आता। मेरा विचार है, हम, मेरा भी 75 साल उम्र हो गया, लेकिन इस तरह का प्रधानमंत्री हम देखा नहीं। इस दफ़ा किसको समर्थन कर रहे हैं आप लोग जी, किसको वोट देना चाहिए? वोट तो देना चाहिए जो समीर मानती अभी हम लोग रखे हैं ना, उनको देंगे। शहर में बड़ी संख्या में मैथिली भाषा भाषियों का निवास भी है। उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती को भारी मतों से जिताना है। आज जमशेदपुर में यहाँ बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में मिथिला भाषा भाषी लोग निवास करते हैं। आज उन लोग सभी जितने मिथिला परिषद के, जितने भी मिथिला सांस्कृतिक मिथिला परिषद और अन्य संस्थाओं के जितने भी पदाधिकारी हैं, कहते हैं मैथिल समाज के लोग कि आपकी सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आपकी सभी मांगों को पूरा करने पर हम आगे बढ़कर आएंगे और सभी मांगों को पूरा करेंगे। और आप अगर समीर मोहंती जी को अपना सांसद चुनकर दिल्ली भेजते हैं तो आपकी आवाज़ बनकर वो लोकसभा में आपकी समस्याओं को उठाने का काम करेंगे, इसके समाधान का काम करेंगे। और मैं भी उनके साथ मिलकर आपकी एक एक समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके उपरांत सभी हमारे मैथिल समाज के जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी संस्थाओं के पदाधिकारी यहां उपस्थित हैं और सभी लोगों ने सर्वसम्मति के साथ यह निर्णय लिया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा के समीर मोहंती जी के पक्ष में मतदान करेंगे और भारी से भारी मतों से उन्हें यहां से विजय दिलाकर लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1-0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है, अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेस होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया,
LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर आर रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। विजिट अवर रजिस्टर्ड ऑफिस, बदानी ट्रेड सेंटर, ग्राउंड फ्लोर, शॉप नंबर 7, आर रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा। हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दात के डी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक
वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक, ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है, तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं, ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है, ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है, जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।